नमस्कार। स्वस्थ जीवन प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं वर्षा चौहान। हमारे इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सभी एक अच्छी व स्वस्थ जिंदगी जी सके। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान असहाय हो जाता है। कैंसर भी एक ऐसा ही रोग है। कैंसर से कई लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अगर सही समय पर इसकी पहचान हो जाए तो इससे बचाव व इसका इलाज संभव है। हमारा आज का विषय है महिलाओं में कैंसर, कारण व बचाव। और बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर कविता मरुड़ी, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी IGMC शिमला से। मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मैम, मैं आपसे यही पूछूंगी कि महिलाओं में कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? वैसे तो महिलाओं में कई प्रकार के कैंसर होते हैं जी, पर सबसे ज़्यादा आज के डेट में अगर महिलाओं में कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर जी। ब्रेस्ट कैंसर जो है एक लाख महिलाओं में तकरीबन 25 महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होते हैं, और उनमें भी कोई 12 से 13 महिला इसके वजह से उनके मृत्यु हो जाती है जी। और उनमें भी अर्बन एरियाज में और शहर में जो रहने वाले लेडीज में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर के कंपेयर टू रूरल एरिया में जो लेडीज होते हैं उनमें जी। और दूसरे नंबर पे आते हैं सर्वाइकल कैंसर जी। सर्वाइकल कैंसर माने गर्भकोश की जो मुंह में जो होता है कैंसर, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जी। गर्भकोश के कैंसर को एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर जो है बच्चेदानी की मुंह का कैंसर है जी। ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है इंडियन वुमेन लेडीज में भी, और इसमें बहुत देर से पहचान होते हैं इसका, क्योंकि लक्षण अर्ली स्टेज में होती नहीं है इसमें। जी, 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 इस वजह से लेट डिटेक्शन होती है। इसके वजह से भी कैंसर रिलेटेड डेथ ड्यू टू सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा गर्भकोश का कैंसर, ओवरी का कैंसर, लंग कैंसर, स्मोकिंग आजकल लेडीज में इंसिडेंस बढ़ रही है उसके वजह से लंग कैंसर जी। उसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोन की कैंसर, ये भी काफी इंसिडेंस बढ़ रही है। और खास करके पहाड़ी इलाकों में धूप सेंकने के वजह से और गोरे रंग के वजह से स्किन कैंसर भी बहुत ज्यादा है जी। और टोबैको च्यूइंग के वजह से ओरल कैंसर, लिप कैंसर, ये भी काफी मात्रा में पाया जाता जी। पर इन सब में जो है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर तकरीबन 40 से 50% कैंसर जो लेडीज में होती है, महिलाओं में होती है, वो इसके वजह इनके वजह से होती है जी। जैसे कि और ये दोनों कैंसर ऐसे हैं कि इनमें जल्दी पहचान हो सकती है जी। जैसे कि आपने ही बताया कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर, ये सबसे ज़्यादा देखा गया है भारतीय नारियों में। तो हमें कारण बताएं, सबसे पहले हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का कारण क्या है, इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, एक ज़माने में वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे इंडिया में बहुत ज़्यादा तरीके से इसका इंसिडेंस बढ़ रही है ब्रेस्ट कैंसर की। चाहे कहिए चेंज इन लाइफस्टाइल का बदलना और वेस्टर्नाइज होना, ये एक कारण हो सकता है। जैसे लेट शादी करना, शादी लेट करना, लेट बच्चा पैदा करना, और बच्चा पैदा कर या बच्चा नहीं पैदा करने का भी आजकल ट्रेंड है। अच्छा, नली पैरिटी जी, जी। वो भी है। और उसके बाद बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, ब्रेस्ट फीडिंग काफी हद तक प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव माना जा, स्तनपान वो प्रोटेक्टिव माना जाता है उसे, वो नहीं करना। और अर्ली मेनार्के, दैट मींस जो मासिक धर्म जो होती है वो यंग एज में शुरू होना, जल्दी शुरू होना, और जो मासिक धर्म का बंद होना जिसको मेनोपॉज बोलते हैं वो लेट एज में होना, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स में गिना जाता है। और साथ में जो है फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव्स में अगर ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहे हैं या उनका डेथ हो चुकी है जी, उन लेडीज में ज़्यादा रिस्क होती है इन सब का जी। और इसके अलावा एक कुछ जीन्स होते हैं, अगर आप जीन्स को इनहेरिट करते हैं, जैसे BRCA1 BRCA2 जीन्स बोलते हैं, अगर वो आप में है तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपने कुछ लोगों ने देखा पढ़ा होगा, जो हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली है जी, जी। उसमें ये जीन्स थे जी। तो उसने उनमें रिस्क ऑफ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ जाता है, इसलिए उसने अपने दोनों मैस्टेक्टमी कराया, दोनों
स्तन को निकलवाया एज ए प्रोटेक्टिव मेजर। जी जी, तो फैमिली हिस्ट्री का जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा डाइट हैबिट्स जी, हाँ, हाई कैलोरी डाइट और मीट का खाना, रेड मीट का खाना, ये सब भी अच्छा नहीं मानती है, सब रिस्क फैक्टर्स में आती है। जैसे कि मैम आपने जीन्स की बात की, तो ये भी हम अपनी अपने अपने माँ बाप से ही इनहेरिट करते हैं, इसमें हमारे हाथ में नहीं होता। अगर टाइमली जानकारी हो जाए तो हम उसका पीरियोडिक रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। जी, कहीं हम इसकी भी बात करेंगे मैम। पहले हमें ये बताएं कि सिम्टम्स किस प्रकार के रहते हैं, किस तरह की उनमें लक्षण देखे जाते हैं। देखिए, सबसे कॉमन लक्षण जो ब्रेस्ट कैंसर की होती है, गांठ का फील होना जी। उसके अलावा निप्पल से डिस्चार्ज आ सकती है जी, ऊपर वाले स्किन में चेंजेस आ सकती है, ब्रेस्ट के ऊपर के जो चमड़ी होती है उनमें चेंजेस आ सकती है जी। हम उसको, या निप्पल का डायरेक्शन बदल सकता है, निप्पल का अंदर को जाना, पेन जो है वो बहुत लेट होती है सिम्टम। तो लंप जो है फील होना ये सबसे, या गांठे फील होना आपके एक्जिला में, उसको क्या बोलते हैं, एक्जिलरी रीजन में गांठे फील होना जी, जी, ये सब लक्षण होते हैं। तो आपका मतलब है कि किसी भी प्रकार की गांठ अगर आपको अपनी शरीर में, ब्रेस्ट में, या आपके कंधे के नीचे आपको फील हो रही है, तो आप जरूर उसका डिटेक्शन कर रहे हैं। डिटेक्शन जरूर, तुरंत आपको डॉक्टर्स को, डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आजकल हम एक टेस्ट करते हैं FNAC, सिरिंज से निकालते हैं सेल और स्मियर बना के देखते हैं, और उसी दिन आपको बता सकते हैं कि ये कैंसरस है कि नहीं, इसमें कैंसर है कि नहीं है, जो बता सकते हैं। FNAC की बात की, क्या ये दर्द, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये भ्रांति भी होती है कि सिर्फ दर्द होती है, या ये बहुत कठिन उतनी दर्द होती है जितनी एक आप इंजेक्शन लेते वक्त होती है, उससे ज्यादा दर्द नहीं होती है जी। इसका मतलब किसी भी तरह की गांठ है तो उसका डिटेक्शन आप FNAC से कर सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जी। क्या सेल्फ एग्जामिनेशन का भी इसमें, ब्रेस्ट के, ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन में सेल्फ एग्जामिनेशन की बहुत बड़ा रोल है जी। 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की को, हर औरत को सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट आना चाहिए। महीने में एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें, और मासिक धर्म के बाद करना ज्यादा बेहतर होता है। और अगर आपको पता नहीं है, आजकल इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, और अगर वो भी, अगर आपके पास वो नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, कोई भी डॉक्टर आपको बता देगा कि सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट कैसे करते हैं जी। इससे आसानी से अगर कोई गांठ है, कोई चेंजेस है ब्रेस्ट में, आपको पता लग जाएगा, और आप ब्रेस्ट कैंसर को या कोई भी ब्रेस्ट की बीमारी को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन की मैम हम बात करें, तो हम अर्ली डिटेक्शन में और क्या क्या आता है? और सबसे ज्यादा जरूरी है मैमोग्राफी, मैमोग्राम। अच्छा। मैमोग्राम एक सिंपल टेस्ट है, जैसे आप एक्सरे लेते हैं वैसे ही एक्सरे लेते हैं, उसमें दो उसमें अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन के 1 सेंटीमीटर तक की अगर लंप, गांठ महसूस होता है, मैमोग्राफी में एक चावल के दाने जितना छोटा भी लंप हो वो भी उसमें पकड़ा जाता है, पता लग जाता है। और अगर ऐसे कुछ है तो उसका बायोप्सी ले सकते हैं उसी वक्त, स्टीरोटैक्टिक बायोप्सी बोलते हैं, वो ले सकते हैं, वो हमारे पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं और हम उसका परीक्षण करते हैं, और उसमें से आपको कैंसर है नहीं है, या प्री कैंसरस जो कैंसर से पहले का कुछ बीमारी है जो कैंसर बन सकती है, बन सकते बाद में, वो सब उससे पता लग जाता है। तो मैमोग्राफी हर औरत 40 साल के बाद जी, हर साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए जी। और 40 साल से पहले की जो महिलाएं, क्या उनको भी मैमोग्राफी आप रेकमेंड करती हैं? 40 साल से पहले जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है उनमें रिस्क बहुत ज्यादा है, मैंने बताया आपको जी। ऐसे औरतों में 30 साल के बाद हर साल उनको मैमोग्राफी करानी चाहिए, 30 साल के बाद ही शुरू करनी चाहिए जी। और कितने कितने अंतराल पे करवानी चाहिए, कितनी अवधि? साल में एक बार मैमोग्राफी कराए, अगर नॉर्मल है तो अगले साल तक आप निश्चिंत रह सकते हैं जी। तो मैमोग्राफी बहुत जरूरी है कराना जी। और आपने दूसरा बताया सर्विकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, तो इसके बारे में बताइए कि ये क्यों होता है? सर्वाइकल कैंसर एक खतरनाक इसलिए है कि वो शुरुआत में उसका कोई लक्षण ही नहीं होता है। जब तक लक्षण शुरू होता है, जैसे सफेद पानी आना, ब्लीडिंग आना, तब तक बहुत लेट हो गया होता है जी, है ना। तो इसीलिए इसमें जो मेन कारण होता है, आज के जमाने का डिटेक्शन नहीं है, एक कीटाणु होती है जिसका नाम है HPV वायरस। अच्छा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये इसका मेजर रिस्क फैक्टर होती है। ये जो HPV वायरस इन्फेक्शन जो है वो शारीरिक संबंध शुरू होने के बाद वो फैलता है। तो HPV वायरस
इन्फेक्शन अगर ज़्यादा देर तक रहता है तो उसमें सर्विक बच्चेदानी के मुंह में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाती है जो बाद में जाके कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा जल्दी एज में शादी करना, अच्छा, जल्दी एज में शारीरिक संबंध का शुरुआत करना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर का होना जी, जल्दी बच्चा, छोटे उम्र में बच्चा पैदा करना, बार बार बच्चा पैदा करना और जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करना, इसके अलावा जो ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनको लंबे समय तक लेना और लोकल, हाँ, लोकल हाइजीन ना मेंटेन करना, और साथ में कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो उससे और इम्यूनिटी कम होने से, फॉर एग्जांपल एड्स पेशेंट में कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का बहुत ज़्यादा चांसेस है जी। पर इन सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क फैक्टर जो है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, उसके साथ ये सब बाकी सारे फैक्टर्स का मिल के कैंसर सर्विक्स। इसमें भी आप जो हेरिडिटरी वाली आप बात कर रहे थे, क्या इसमें भी वो लागू होता है? देखिए हर कैंसर में कुछ ना कुछ हेरिडिटरी रोल होता है, अगर फैमिली हिस्ट्री है डेफिनेटली जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होती है हर कैंसर में जी, पर जो ब्रेस्ट कैंसर में है उतना नहीं है, बट इसमें भी इसमें है, भी है। सिम्टम्स किस प्रकार के रहते हैं, किस प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं? वही मैं बता रही थी, सर्वाइकल कैंसर में जब तक सिम्टम आते बहुत देर हो चुका होता है जी, तो ये जो शारीरिक संबंध के बाद खून आना, खून का आना, ये जो मासिक धर्म के बीच में खून का आना जी, सफेद पानी आना जी, दर्द होना पेट में, ये सब इसका लक्षण होते हैं। लेकिन ये बहुत बाद में, बहुत देर हो गई होती है जब तक ये क्योंकि ये लक्षण बाकी बीमारियों में भी होती है जी, जो बाकी गायनेकोलॉजी की बीमारी में भी होती है, इसीलिए कई बार मिस हो जाते हैं। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है अर्ली डिटेक्शन। फॉर्चुनेटली सर्वाइकल कैंसर में अर्ली डिटेक्शन बहुत आसान है बाय पैप्समियर टेस्ट जी। वो क्या होता है मैम? हाँ, पैप्समियर टेस्ट में हम ये करते हैं, बच्चेदानी के मुंह से सेल्स निकाल के स्मियर बनाते हैं और उसको हम परीक्षण करते हैं। उसमें हमें कैंसर शुरू होने से पहले ही पता लग जाता है कि कैंसर शुरू होने वाला, प्री कैंसरस कंडीशन भी पता लगता है और अर्ली कैंसर भी पता लग जाता है जी। हाँ, उससे अर्ली इलाज हो सकती है और क्योर हो सकती है जी। अगर वो ना कराए तो फिर लेट स्टेज में इलाज बहुत मुश्किल है जी। हम पैप्स की बात करें मैम, किस उम्र में शुरू करना चाहिए आपको पैप्समियर? आइडियली जो अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन बोलता है 21 साल के बाद ही शुरू करनी चाहिए, 21 साल के बाद हर 3 साल में एक बार पैप टेस्ट का होना जरूरी तो क्या है। क्या इसकी कोई किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है? किसी तरह कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लोगों में ये भी भ्रांति होती है कि इसमें दर्द होता है या ये बहुत महंगा होता है। इसमें कोई दर्द नहीं होते, 5 से 10 मिनट लगता है और ये ओपीडी प्रोसीजर है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी में ये इलाज हो जाएगा और 1-2 दिन में इसका किसी भी रिजल्ट हॉस्पिटल में। हाँ, ये बहुत ही सिंपल मतलब टेस्ट है। जो महिलाएं हैं, जो दूर दराज की महिलाएं हैं, जो 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 शहर नहीं पहुंच सकते, क्या ये उनके लिए भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी कंडक्ट करते रहते हैं। लेडीज को ज्यादा तरह इन स्क्रीनिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके कराना चाहिए, 3 साल में 1 बार हर उम्र के लिए, हर उम्र के लिए 21 साल के बाद 3 साल में 1 बार करानी है। अगर 30 साल के बाद साथ में एक हम एचपीवी टेस्ट भी कराते हैं, अगर वो भी साथ में कराए 5 साल में 1 बार कराओ तो भी काफी है। अगर ठीक है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर उसमें प्री कैंसरस कुछ आ गया या कैंसर निकल गया, हम कॉल्पोस्कोपी से बायोप्सी निकालते हैं, उसका कंफर्म करते हैं कि पक्का कर देते हैं कि कैंसर है और इलाज शुरू हो जाएगा और क्योर हो जाएगा। इसका रिपोर्ट कितने टाइम में आती है? रिपोर्ट 3-4 दिन में। अच्छा, पैप्समियर की रिपोर्ट तो अगले दिन आ सकती है, अगले दिन ही आ सकती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें जी। तो हमें ये भी बताएं कि जो जो एल्डरली वुमन्स होती हैं, वुमन होती हैं, तो उनको कितने समय में करवाना चाहिए, क्योंकि उनके वो ज्यादा रिस्क पे होती हैं इसके, तो उनको कितने समय में करवाना चाहिए? उनको भी 3 साल में 1 बार करें, 3 साल में करें, और बहुत ज्यादा 55-65 के बाद तो और भी लेट इंटरवल में कर सकते हैं। अगर पिछले 10 साल से आपका नॉर्मल आ रहे हैं फिर तो फ्रीक्वेंसी कम भी कर सकते हैं इसका टेस्ट करने का जी। हम वैक्सीनेशन की बात करें, क्या किस तरह का वैक्सीन अवेलेबल है? आजकल फॉर्चुनेटली ये जो मेजर रिस्क फैक्टर है एचपीवी वायरस, उसके अगेंस्ट वैक्सीन है, जिसको बोलते हैं हम एचपीवी वैक्सीन, जो हम देते हैं 9 साल से 13 साल के 11-12-13 साल से पहले 9 साल से ये देने से सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा।
नियरली 100% प्रोटेक्शन मिलती है, स्पेशली एचपीवी वायरस से प्रोटेक्ट करता है। एचपीवी वायरस में 16 और 18 नंबर का जो एचपीवी वायरस है वो सबसे ज़्यादा कैंसर कॉज करती है सर्विक्स में, उसके अगेंस्ट 100% प्रोटेक्शन देती है। हालांकि 26 ईयर्स तक हम रेकमेंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। 12-13 साल तक सिर्फ 2 डोज काफ़ी होती है, उसके बाद 3 डोज देना पड़ता है, पहला डोज, उसके बाद 6 महीने बाद दूसरे डोज 13 साल तक, उसके बाद जो देना है तो पहले 1 महीने बाद, उसके बाद 6 महीने बाद तीसरा डोज, ऐसे देना पड़ता है। अच्छा, इससे तो आप अगर आप एचपीवी वैक्सीन दे जी और साथ में हर 3 साल पैप्समियर का टेस्ट कराते रहे, आप सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं, अनलेस कोई रेयर केस हो जो इन सबसे बावजूद भी बच गया और नहीं पता लग पाया। जी, जी, जी। अगर ये दोनों करें, कैंसर से, सर्वाइकल कैंसर और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकते हैं महिलाएं। इसका मतलब यही हुआ कि आप अर्ली डिटेक्शन अगर आपको हो जाए इसमें और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो आपसे पूरी तरह से आपको बचाव पॉसिबल है। पॉसिबल है, अगर अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है, क्योर पॉसिबल है पूरी तरह से। जी, क्योंकि इस अभी के टाइम में जो कैंसर है, जो कैंसर अपने आप में भी लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन इतना भी डरने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इलाज व बचाव संभव है अगर अर्ली स्टेज में सही समय में देखा जाए। तो मेमोग्राफी जैसे कि आपने बताया एक ऐसी हमारे पास सुविधा है जिससे कि हम इससे बच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं। ये लेडीज हमारी कतराती हैं, घर में बोलने से कतराती हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो बात है, अवेयरनेस भी होना चाहिए, सुविधा भी होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है लेडीज का डॉक्टर के पास जाना और अपना जांच कराना। जी, हम इंडियन लेडीज में, इंडियन सब लेडीज में जी, एक आमतौर पे एक हमारे सब में ख्यालात ये होती है, हम तो ठीक ठाक है जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमें क्या जरूरत है जाने की? अपने बारे में सबसे एंड में सोचते हैं जी, जाने की क्या जरूरत है? आजकल आपने पढ़ा होगा सोनाली बेंद्रे, जो फेमस हिंदी एक्ट्रेस है जी, उसको देखिए, जहां तक मैंने पढ़ा यूट्रस में कैंसर था, उसको दर्द भी बीच बीच में होता रहा, वो निग्लेक्ट करती रही। देखिए जब तक वो गई डॉक्टर के पास वो फैल चुका है, स्टेज 4 में पहुंच चुकी है और इलाज बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं सब लेडी से यही गुजारिश करती हूँ कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, साथ में जानकारी होना जरूरी है। फैसिलिटी, ये जो मैंने बोला, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल है हिमाचल में, आसानी से अवेलेबल है, पर आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, आपको जाना पड़ेगा और अपना जांच कराना पड़ेगा, तभी ये सब संभव हो सकती है, अर्ली डिटेक्शन संभव हो सकती है और इलाज हो सकती है। आपने जैसे मेमोग्राफी के बारे में बताया और इसके बारे में बताया, दूसरी डिटेक्शन के बाद सर्विकल कैंसर में भी बताया, लेकिन क्या फैमिली का क्या रोल रहता है ऐसे में? क्योंकि जो बच्चियां होती हैं वो हिचकिचाती हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से, या फिर किसी भी मेल मेंबर से, फॉर दैट मैटर बोलेंगे अगर उसके घर में मेल मेंबर्स ही हैं तो वो कतराती है, तो फैमिली का या माओं का किस प्रकार का, किस तरह का रोल रहता है? मेरे हिसाब से सिर्फ महिलाओं में अवेयरनेस होने से काम नहीं बनेगा, हर एक मेंबर ऑफ द फैमिली को अवेयरनेस होना पड़ेगा। और उनको अब अगर वाइफ कतरा रही है, ध्यान नहीं दे रही है, हस्बैंड को उसका साथ देना पड़ेगा और उसको मोटिवेट करना पड़ेगा, तुम जाओ ये कराओ, टेस्ट कराओ, साथ में जाना चाहिए, मॉरल सपोर्ट भी देना चाहिए। और जैसे एचपीवी वैक्सीन के लिए अपने बेटियों को, हमको बेटियों को ले जाना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। इस वक्त वैक्सीनेशन, एचपीवी वैक्सीनेशन थोड़ा सा महंगा है जी, 3 डोज मिला के कोई 8-9 हज़ार तक पड़ जाती है जी, सरकारी नौकर का तो रिइंबर्समेंट हो जाती है। अच्छा, बट बाकी लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अगर ये वैक्सीन देने से हम अपने बेटियों को बचाव दे सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से, क्यों नहीं? हम कपड़ों पे खर्चते हैं, खाने पीने पे खर्चते हैं, बिल्कुल कितना सारे फिजूल खर्ची करते हैं, इसको भी हम करें, अपने बेटियों को सर्वाइकल एचपीवी वैक्सीन दे और उनको बचाने का कार्य करें। पूरा फैमिली का सहयोग होना बहुत जरूरी है और अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाई जा रही है, क्या क्या रोल रहता है, क्या दूर दराज के गाँव में जाके भी क्या स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कैसे, हाउ डज इट वर्क, कैसे कैसे काम होता है? मेन इसमें रोल तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम की है। वक्त वक्त पे हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, कैंप्स लगाते हैं डॉक्टर, स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते रहते हैं जिसमें पैप टेस्ट भी कराते हैं हम जी, और अवेयरनेस भी लोगों को समझाते भी है, कैंप्स में लेडीज को एड्रेस भी करते हैं, और इवन जो डॉक्टर्स होते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर जी, छोटे छोटे डिस्पेंसरी में,
होते हैं, उन डॉक्टर्स का भी ये काम बनता है कि लोगों को इसके बारे में कोई भी बीमारी से आ जाए थोड़ा बहुत ये जानकारी भी दे दे। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हूँ, मैं हर बीमारी के बारे में बात करके एंड में यही अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आप असली सेलिब्रिटीज तो आप लोग हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी में लोगों को बहुत कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप खुशहाल एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको भगवान ने ये मौका दिया है और आपको ये पैशनेटली करना चाहिए। ये मैं हमेशा अपना स्टूडेंट्स को अपना मेडिकल कॉलेज में समझाती रहती हूँ। जी, और वैसे भी जो जैसे दूर दराज के हमारे इलाके होते हैं, क्योंकि वहाँ पे औरतों में बहुत सारी एक तो हिचकिचाहट बोल सकते हैं हम, क्योंकि उनमें हिचकिचाहट होती है, दूसरा ये कि वो अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, फैमिली के कामों में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ पे स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जो ये महिलाएं वहाँ पे जाती हैं, हेल्थ वर्कर्स जो जाती हैं, वो उनमें एक अवेयरनेस फैलाएं, वो उनको ये बताएं कि आप अगर आप है तो आपका परिवार स्वस्थ है। महिलाओं का स्वस्थ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि मतलब बाकी पर घर के मतलब बाद में भी आ सकते हैं। तो अच्छा, एक और बात है मैम कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे आपने भी बताया कि जो हमारा लाइफस्टाइल है, क्या उसकी वजह से भी ये सारी बीमारियाँ होती हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे जीवन शैली में बदलाव, जैसे खाने मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर में लाइफस्टाइल चेंज बहुत ज़रूरी है, अपना ओबेसिटी वन ऑफ द मेजर फैक्ट, मोटापा, रेगुलर एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना, मोर आप अपने डाइट में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा मात्र में सेवन करना बहुत ज़रूरी है, अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप हिचकिचाहट की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ गांव के महिलाओं में नहीं है, इवन शहर की महिलाओं में भी है। शहर इंडिया की महिला, शहर की छोड़िए, मैं 2012 में अमेरिका गई थी अपने एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए, अपने मित्र से मिली, फिजियोथेरेपिस्ट थी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थी, अपने परिवार के साथ मिलने आई थी, तंदुरुस्त थी, बहुत हमने एंजॉय किया, बातें की, बहुत सुहाना लगा उसका जिंदगी। मैं इंडिया वापस आ गई, 2-3 महीने के बाद ही मुझे पता लगता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर है और वो काफ़ी फैल चुका है, और वो 2-3 महीने आगे विद इन 6 मंथ्स उसका मृत्यु हो गई। देखो, वो अमेरिका में रहती थी जी, उसको अवेयरनेस थी, वो मेडिकल फील्ड की थी, और उसको सारे कुछ होते हुए भी उसने अपना ख्याल नहीं रखा, अपना पैप स्मियर नहीं कराया जी, जिसके वजह से देखिए उसके पूरे फैमिली दुख में डूब गया जी। और अपने उसके बच्चों के बारे में सोचिए जी, लेडीज को ये सब सोचना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए, सबसे जरूरी है। क्योंकि और किसी भी तरह का आपको लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, बार बार हम लोग यही अवेयरनेस फैलाते हैं, आपके माध्यम से हम यही बताते हैं कि आपको किसी भी तरह के लक्षण अपने अंदर दिखाई दें तो आप प्लीज उसको इग्नोर ना करें। लक्षण गांठ, लक्षण होने के बाद तो इग्नोर करनी ही नहीं चाहिए, पर लक्षण होने से पहले भी सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेगुलर चेकअप कराइए, पैप स्मियर कराइए, मैमोग्राम कराइए, सेल्फ एग्जामिनेशन करें और बच्चों का एचपीवी वैक्सीनेशन कराए, ये बहुत जरूरी है। लक्षण के इंतजार ना करें, ये मेरा जी। और आपने जैसे कि और बीमारियों के बारे में भी बताया, तो क्या उसमें भी बचाव संभव है? और जैसे कि बीमारियां आपने बताई, ओवेरियन कैंसर के बारे में भी आपने बताया था। ओवेरियन कैंसर में देखिए, जब तक पेशेंट यूजुअली उसके लिए प्रेजेंट करता है तो कुछ ना कुछ पेट में दर्द होना या आपका कुछ सफ़ेद पानी का जाना या यूरिनेशन करने में कोई बदलाव आना, वो सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आने लगती है। कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम हो तो उसको इग्नोर ना नहीं करना चाहिए लेडीज़ को। और जी, अपनी जो स्पेशली महिलाएं जो जिनकी शादी हो चुकी है या फिर वो जो जो यौन उसमें हैं, तो उनको कितने समय में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाते रहना चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको तो साल में 3 साल में एक बार पैप स्मियर कराए वो बहुत है। अगर कोई उनमें कोई प्रॉब्लम आती है, सफ़ेद पानी का जाना, वो सब या ब्लीडिंग में, वो सब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जी, आप हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा संदेश दे, ऐसा हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। खास करके आजकल के कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, तो मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट खाए, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ज़्यादा मात्रा में खाए, और एक आइडियल एक वेट मेंटेन करें जी, और स्मोकिंग से दूर रहे, अल्कोहलिज्म से भी दूर रहे। अगर नहीं रहा जाता तो
लिमिटेड मात्रा में पिए जी 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 तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है रेगुलर चेकअप कराइए, अवेयरनेस रहे और हिचकिचाइए मत, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए और ये बीमारियों से बचने की पूरे कोशिश करें अपने लिए अपने जी परिवार के लिए। कविता मुरारी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमसे बांटी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद उम्मीद करती हूँ कि आज का यह प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी के लिए लाभान्वित रहा होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।